ऐसे नहीं, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं किन लोगों के बीच में बैठा हूं। यस, 1 2 3। थैंक यू। अब कुछ बात करने का मजा भी आएगा। मैं तीन सुनो, मैंने सिर्फ एक कोट उतारा है, इसके आगे उतारने वाला नहीं हूं मैं। मैं इतनी देर से सोच रहा था, दोस्तों मेरा नाम एसपी भारेल है, मेरा अपना एक बिजनेस है जिसमें मैं लोगों से प्यार करता हूं, लोगों के साथ काम करता हूं और ऐसी कुछ लोगों के साथ ट्रेनिंग करता हूं जैसे आज आपके साथ आया हूं। आज मैं आपसे एक बहुत डिफरेंट बात करूंगा, क्योंकि आप जिस दिशा की ओर जा रहे हैं और आप जिस प्रोफेसर की तरफ आपने एंट्री ली और आज जो प्रोग्राम आपके बीच में हुआ है, मुझे लगा है कि मैं कुछ ऐसी बात करूं जो आपके जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो। आप किसी भी दिशा में जाएं, कहीं भी पहुंचें, वो आपकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट का काम करे। दुनिया में मैंने आज तक ये देखा, मेरी एज हो गई 49 ईयर्स, क्या चीज ऐसी है जिस चीज से कोई व्यक्ति सक्सेसफुल होता है, कोई व्यक्ति फेल होता है। एक चीज तो ऐसी है धरती पर, कुछ लोग सक्सेसफुल होते हैं, कुछ लोग फेल होते हैं। जो सक्सेसफुल हुए वो भी 9 महीने में पैदा हुए, जो फेल हुए वो भी 9 महीने में पैदा हुए। और ये बात तो पक्की है कि ऊपर वाला पार्शियलिटी नहीं कर सकता कि यार इनको फेल बना दो, इनको सक्सेसफुल कर दो। कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? और जब हम फेल हो जाते हैं तो हम किसी ना किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। देश ऐसा है, समाज ऐसा है, लोग ऐसे हैं, मां बाप ऐसे थे जिन्होंने पैसे नहीं दिए, सपोर्ट नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन उठा के देखो हिस्ट्री, जितने लोग इस धरती पर सक्सेसफुल हुए हैं और सफल हुए हैं, वे सब बेचारे उस जगह से उठे हैं जहां सफलता की कोई संभावना नहीं थी, नहीं थी कोई संभावना। तो मैंने बहुत डीप में स्टडी की, तब मुझे पता चला एक चीज ऐसी है, अगर वो चीज आपके पास है तो दुनिया में आपकी सफलता कोई रोक नहीं सकता, और वो चीज अगर आपके पास नहीं है तो धरती पर कोई आदमी आपको सफल नहीं कर सकता। तैयार हो सुनने के लिए? इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहे हो यार? वो एक चीज इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी जरूरी है, जिसका नाम है ड्रीम, सपना। मैं बचपन से सुनता आ रहा था कि ज्यादा ऊंचे सपने नहीं देखने चाहिए क्योंकि कभी पूरे नहीं होते। मैं सुनता आ रहा था कि उतने पैर पसारो जितनी लंबी चादर हो। मैं सुनता आ रहा था कि भाई सपने तो रात के सपने होते हैं, कभी पूरे नहीं होते, सपने क्यों देखना चाहिए। लेकिन आज मैं आपसे बात करूंगा क्यों सपने देखना चाहिए और ये सपने कैसे पूरे होते हैं और सपने क्यों जरूरी हैं, इसकी बात हम आज आपसे करेंगे। क्यों एक आदमी सक्सेसफुल होता है और दूसरा आदमी फेल हो जाता है, आखिर क्यों? एक ही कारण है, जो आदमी सक्सेसफुल होता है उसने जिंदगी में कुछ सपने संजोए हैं, उसके पास एक ड्रीम है, उसके पास एक रीजन है, उसके पास एक कारण है, उसके पास एक वजह है, उसके पास कोई गोल है, कोई टारगेट है, कोई स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर है। और दूसरा शायद सिर्फ ये सोचता रहता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता, वो सिर्फ ये देखता रहता है कि कैसे पॉसिबल होगा, वो ये सोचता रहता है कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। क्या होता है ड्रीम? हो सकता है आप में से कुछ लोग सोचते होंगे कि नहीं अरे यार क्यों सपने देखना है, ये तो पूरे नहीं हो सकते। ड्रीम किसे कहते हैं? ड्रीम मतलब होता है एक गोल, एक लक्ष्य, एक टारगेट, एक इच्छा, ज्वलंत इच्छा, कुछ तमन्ना। लेकिन समस्या ये है कि धरती पर 97% लोग ऐसे हैं जो सपनों के बारे में सोचते भी नहीं हैं। और मजे की बात यह है कि दुनिया में हर एक इंसान को काम तो सपनों के लिए ही करना पड़ता है,
ये अलग बात है कि आप अपने सपनों के लिए काम करते हो या किसी और के सपनों के लिए काम कर रहे हो। काम तो सपनों के लिए ही होगा मेरे दोस्त। कोई अगर प्राइवेट जॉब में तो वो सेठ जी के सपनों के लिए काम करता है, कोई अगर स्टेट गवर्नमेंट के जॉब में तो वो सीएम के सपनों के लिए काम करता है, कोई सेंट्रल गवर्नमेंट है तो पीएम के सपनों के लिए काम करता है, कोई एक मजदूर अगर तसले में ईंट भर के यहां से वहां डाल रहा है तो वो उस आदमी के सपनों के लिए पूरा कर रहा है जिसने मकान देखने का, मकान बनाने का सपना पूरा किया या सपना देखा। कोई भी इंसान धरती पे काम तो सपनों के लिए ही करना पड़ेगा भाई। ये अलग बात है कि तुम अपने सपनों के लिए काम करते हो या किसी और के सपनों के लिए। सपने कैसे होने चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है। सपना होना चाहिए एक इमोशनल, जिसके पीछे कोई स्टोरी हो, जिसके पीछे कोई चुभन हो, जिसके पीछे कोई एक कारण हो। दो तरह के ड्रीम होते, होता है सुपरफिशियल, होता है इमोशनल। सुपरफिशियल ड्रीम आपका ड्राइविंग फोर्स नहीं बन सकता, एक इमोशनल ड्रीम चाहिए। वो सपना अगर याद आ जाए तो आंखों में आंसू आ जाए, वो सपना याद आ जाए तो शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, वो सपना अगर याद आ जाए तो शरीर में फरूरी हो जाए आ जाए, वो सपना याद आ जाए तो आदमी चैन से बैठ नहीं सके, उसे कहते हैं रियल ड्रीम। सोचो जरा, कभी आपने क्या उसके बारे में सोचा है? सोचा है कभी? मुझे इसके लिए एक बहुत बढ़िया स्टोरी याद आती है, वो स्टोरी आप सुनोगे तो उछल पड़ोगे, और आपको उछलने की पूरी ताकत, पूरी छूट है, जब तक मेरा सेशन है तब तक, मेरे बात में नहीं। एक कुत्ता था और एक था खरगोश। कुत्ते की नजर खरगोश पे पड़ गई और कुत्ते ने खरगोश को जैसे ही देखा तो उसको पकड़ने के लिए लपका। कुत्ता बहुत तेजी के साथ भागा, कुत्ता तेजी के साथ भागा और खरगोश उसी ज्यादा तेजी के साथ भागा। खरगोश भागता जा रहा है, 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 कुत्ता उसके पीछे भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, और वो खरगोश एक छोटे से बिल में जाके घुस गया। कुत्ता उसे नहीं पकड़ पाया। उस बिल में से छोटा सा छेद था, खरगोश ने उस छेद में से मुंह निकाला। कुत्ते ने हांफते हांफते उसे पूछा, खरगोश मैं तेरे से ताकत में बहुत बड़ा हूं, मैं शरीर से बहुत बड़ा हूं, मैं तेरे से तेज भाग सकता हूं, लेकिन ये क्या हुआ कि मैं तुझे पकड़ नहीं पाया? खरगोश की आंखों में आंसू थे, उसने डब डबाई आंखों से कहा, कुत्ते भाई तुम अपने लंच के लिए दौड़ रहे थे और मैं अपनी लाइफ के लिए दौड़ रहा था। काम तो आप कर रहे हो सुबह से लेकर शाम तक, चाहे जॉब कर रहे हो, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे प्रोफेशन कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन सोचने की जरूरत है कि आप ये लंच के लिए कर रहे हो या लाइफ के लिए कर रहे हो। अगर आप लंच के लिए कर रहे हो तो सफलता मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर लाइफ के लिए कर रहे हो तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपको हरा दे और आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचने दे। कुछ बच्चे ऐसे होंगे वो इसलिए पढ़ाई कर रहे होंगे क्योंकि उनके पिताजी ने धक्का मार के भेज दिया होगा, कुछ नहीं करते होना तो चल नर्स बन जा। और कुछ ऐसे होंगे जिनके पास एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम होगा, एक स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर होगी कि मुझे नर्सेज कोर्स क्यों करना है और मैं करके क्या करने वाला हूं। योग्यता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता भाई। मैं कहता हूं कि परिश्रम और लगन योग्यता पर भारी पड़ जाती है। अगर किसी के पास परिश्रम है और उसके पास एक लगन है और किसी दूसरे के पास योग्यता है तो परिश्रम और लगन योग्यता पर भारी पड़ जाती है। ड्रीम चाहिए एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल, अपना होना चाहिए खुद का पर्सनल ड्रीम। मेरी एक बुक है मेरी जिसका नाम है 18 चैप्टर्स। मैं जब बुक लिख रहा था जोगिंदर जी तो मैं सोच रहा था ड्रीम की डेफिनेशन क्या है। मैंने बहुत सोचा बहुत पढ़ा पर मुझे कहीं ड्रीम की डेफिनेशन नहीं मिली। आपको कहीं मिले तो मुझे बताना।
मुझे 3 दिन लगे उस ड्रीम की डेफिनेशन को लिखने के लिए, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। हर इंसान को काम आने वाली चीजें यहां पर कि किसे कहते हैं आखिर ड्रीम, सपना होता क्या है। वो परिभाषा आपकी समझ में आए तो फिर आप एक बार उछलना, आपके उछलने से मुझे समझ में आएगा, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से मुझे समझ में आएगा कि आपको ये बात समझ में आई है। वर्तमान में मैं ड्रीम परिभाषा की बात कर रहा हूं, ड्रीम की, वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज, मैम वर्तमान में मतलब अभी इस वक्त, एट प्रेजेंट, असंभव नहीं, असंभव सी। अगर चीजें असंभव होती तो कभी पूरी नहीं हो सकती थी दोस्त, चीजें असंभव नहीं होती हैं, असंभव सी दिखाई देती हैं क्योंकि कभी तो वो संभव हो जाती हैं। मैं प्रूव करूंगा अभी थोड़ी देर में यहीं पर। वर्तमान में असंभव सी दिखाई देने वाली चीज के बारे में सोचना, वो है सपना। '62 में केनेडी ने सोचा कि हम चांद पर जाएंगे और वापस आएंगे। इंपॉर्टेंट बात है वापस आना, अगर वो अधूरा सपना देखता तो अभिमन्यु बन जाता, अभिमन्यु चक्रव्यूह में फंसना तो जानता था, निकलना नहीं जानता था। अगर केनेडी ये सपना देखते कि हम चांद पे जाएंगे तो टंके रह जाते। उन्होंने कहा कि हम 1962 में, वर्तमान में 1962 में हम चांद पर जाएंगे। 1962 में ये असंभव नहीं था, असंभव सा था। अगर असंभव होता तो कभी पूरा नहीं होता, लेकिन 1962 में चीज पॉसिबल भी नहीं थी, कौन सोच सकता था। अरे 1962 का जमाना पोस्ट कार्ड का जमाना था। मेरी शादी हुई थी 89 में, मैं अपनी पत्नी को, पत्नी तो बाद में बनी, जब मेरी सगाई हुई थी तो मैं चिट्ठी लिखता था उसको, और चिट्ठी कैसे लिखता था कि छिप छिप के लिखता था कि बाप देख ना ले, और रात को लाइट बंद करके, मोबाइल भी नहीं होते थे कि मोबाइल की टॉर्च से देख ले, और मैं चिट्ठी लिखता था, फिर वो चिट्ठी में लाल डब्बे में डालने जाता था, फिर 7 दिन में वो बेंगलोर पहुंचती थी, फिर वो पढ़ती थी, तब पढ़ती जब उसके पिताजी ना देख ले, और फिर वो जवाब लिखती थी। ये ना तुम बच्चे तो समझते नहीं हो, तुम समझोगे नहीं, ये तो मेरी उम्र के जो बुजुर्ग है ना, इनको बहुत मजा आ रहा है मेरी बात सुनने में। अरे बेटा 1 महीना लगता था, यहां से मैं चिट्ठी लिखता था, उसके पास जाती थी, वो पढ़ती थी, वो लिखती थी, फिर मौका निकाल के लाल डब्बे में डालने जाती थी, फिर मेरे पास आती थी, तो मैं ढूंढता था चिट्ठी आई है, आई है। 1 महीना लगता था। अरे आज की जनरेशन क्या है साहब, ये व्हाट्सएप का जमाना है, लड़की ने भेजा हाय, लड़का बोलता है हू, और अगर लड़के ने भेजा हाय और लड़की हू भेजने में 5 मिनट लग जाए, लड़का कहता अभी चक्कर क्या है, तू मुझे अपना फोटो भेज, सेल्फी भेज, तू किसके साथ है। ये व्हाट्सएप का जमाना है, हमारा पोस्ट कार्ड का जमाना था, और 1962 में केनेडी ने सोचा चांद पर जाएंगे, पोस्ट कार्ड के जमाने में असंभव सा था, लेकिन केनेडी ने सोचा। और जब वो केनेडी ने सोचा तो केनेडी का सपना बना, और सपना बना तो पूरा हुआ। भारत का सपना क्यों नहीं बना, भारत क्यों नहीं गया चांद पर 1962 में, क्योंकि भारत ने सोचा ही नहीं। भारत सोचने था तो भारत का बन जाता। एडिसन हुआ है, उसने सोचा कि अगर रात दिन की जो उसने रात को भी हो सकती है, नहीं सोचा कि यार जो दिन में रोशनी है वो रात को हो सकती है, कैसे होगी पता नहीं, मालूम नहीं कैसे होगी, आई डोंट नो, पर हो सकती है। सोचा, कब सोचा, जब ये असंभव सा था, सीम टू बी इम्पॉसिबल। एडिसन ने सोचा तो उसने बिजली बनाई, एसपी भारिल भी बिजली बना सकता था, लेकिन मैंने सोचा ही नहीं। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ये पहले प्रधानमंत्री बने या पहले सोचा, नहीं नहीं नहीं, नहीं पहले बन गए होंगे, बाद में सोचा होगा अच्छा है मैं पीएम बन गया। जब वो प्रधानमंत्री बने तो उनसे पहली बार ये पूछा गया कि आपको कैसा लग रहा है, पत्रकारों ने, तो उन्होंने कहा
आपके लिए नई चीज होगी, लेकिन मैं तो ये चीज कई बार देख चुका हूं। देख चुका हूं का मतलब मैं विजुलाइज कर चुका हूं कि नाउ आई एम द पीएम ऑफ द कंट्री। उन्होंने पहले सोचा या पहले बने? और राहुल गांधी प्रधानमंत्री क्यों नहीं बने? उन्होंने सोचा ही नहीं। सोचना तो, अरे वाह आप तो बहुत होशियार हो, मेरा सेंटेंस पूरा कर देते हो। सोचना तो पड़ेगा, चॉइस नहीं है, चॉइस नहीं है दोस्त। और कितना बड़ा सोचना पड़ेगा? उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जितनी तुम्हारी ताकत हो, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जो सोचने से तुम्हारे शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएं, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जो सोचते ही तुम्हें एक रोमांच पैदा हो जाए, उतना बड़ा सोचना पड़ेगा जितना सोचते ही तुम्हें चैन नहीं पड़े और तुम्हारे पैर धरती पर नहीं रुके, उतना बड़ा। अरे कोई आदमी था राइट ब्रदर्स, उसने सोचा अगर चील उड़ सकती है, ये पक्षी उड़ सकते हैं, तो इंसान उड़ सकता है, इंसान उड़ सकता है। और उसने हवाई जहाज बना दिया। मैं पूछता हूं आपसे, कैसे बनता नहीं तो हवाई जहाज? एक इंच तो ऊपर कोई चीज उगती नहीं है। उसने 50,000 फुट कोई चीज उड़ा दी तो पहले उड़ाई है, पहले सोचा। और हम क्या करते हैं? मैं अगर आपके पास आऊं, भाई साहब चलो यार मैं आपको, मैं 10 लाख रुपए कमाना सिखाता हूं, 10 लाख कमाओगे? यार पहले आने दो फिर सोचेंगे। मैं तुमसे कहता हूं चलो यार तुम राजस्थान टॉप करोगे? अरे यार ये तो हो सकता है कि कभी? मैं आपके पास आगे कहूं कि चलो तुम्हारी शादी ऐश्वर्या राय से करा दें। आए हाय देखो क्या क्या आवाज आ रही है अभी भी, अब नहीं हो सकती, चांसेस नहीं है अब। तुम्हारे साथ इसलिए नहीं हुई क्योंकि तुमने सोचा नहीं, अभिषेक के साथ इसलिए हो ली क्योंकि उसने सोच लिया। सोचना पड़ेगा, चीजें तो घटती हैं दोस्त, चीजें तो घटती हैं, चीजें तो होती हैं, पर उसके लिए सोचना पड़ता है। गांधी जी ने देश की आजादी के लिए सोचा, तब देश की आजादी मिली। मुझे बताओ ना दुनिया का कौन सा काम है जो पहले हो जाता होगा बाद में सोचना पड़ता होगा? सोचो, बहुत बड़ा सोचो, उतना बड़ा सोचो जो सोच जैसे डर लगता हो। 1962 में केनेडी को भी डर लगता था चांद पर जाने से, राइट ब्रदर्स को भी डर लगता था, एडिसन को भी डर लगता था, महात्मा गांधी को भी डर तो लगता था कि पता नहीं देश आजाद होगा या नहीं, कि पहले हो जाएगा तब सोचेंगे। पहले उन्हें सोचा तब देश आजाद हुआ। कभी कभी डर लगता है, और पता है डर क्या लगता है? यार मैंने तो सोच लिया, और जब मैंने सोचा और ये काम नहीं हुआ तो बस ये गया खड्डे में। अगर इसने सोच लिया कि मैंने सोचा और ये काम नहीं हुआ तो खेल खत्म, खत्म खेल। मैं इस बात को इतने ऐसे कहता हूं कि जिंदगी में चैलेंजेस तो आएंगे दोस्त, चैलेंजेस के डर के मारे अगर तुम कहोगे मैंने सोचा और नहीं हुआ तो कुछ जिंदगी में कर नहीं पाओगे। मुझे डॉक्टर्स ने बताया है कि 10 डेसिमल का दर्द होता है तो किसी आदमी की मौत हो जाती है, लेकिन जब कोई महिला मां बनती है तो उसे 12 डेसिमल का दर्द होता है, फिर भी वो जिंदा रहती है और अपने बच्चे को जन्म देती है। क्यों क्यों? अरे कितना मुश्किल है कि एक इंसान अपने अंदर पेट में दूसरे इंसान को पाल कर रखे और 9 महीने तक उसको केयर करे। वो बच्चा कभी लात मारता है, वो कभी सिर मारता है, ये तो उस माँ से पूछो जो माँ उस बच्चे को अपने पेट में रखती है। और माँ को दर्द तो तब होता है कि जब वो बच्चा अपनी माँ को छोड़ के चला जाता है, या माँ को अपने घर से बाहर निकाल के हाथ पकड़ के वृद्धाश्रम में डालता है, तब उस माँ को याद आती है कि अरे इसकी कितनी लातें मैंने पेट में सहन करी थी, इसको शायद याद भी नहीं होगा। लेकिन फिर भी वो माँ अपने बच्चे को ये याद नहीं दिलाती है कि तेरी लातें मैंने अपने पेट में सहन करी हैं। नौ महीने तक कितनी पीड़ा उठाती है वो, सोचो जरा कितना दर्द उठाती है। कभी उल्टी करने की इच्छा होती है, कभी मिट्टी खाने की इच्छा होती है, कभी जीव उमछाता है, कभी परेशान होती है। और जब रात को अपने कमरे में आती है ना, थकी हारी चकना चूर,
तो उसके कमरे में एक पोस्टर होता है बहुत खूबसूरत से नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे का। उस बच्चे को वो आंख से देखती है, आंख भर के उसको समा लेना चाहती है, उसे सूंघती है, उसे टच करती है, उसे फील करती है, और उसकी पूरी की पूरी थकान इस बात से उतर जाती है कि वो इस बात की का सपना देखती है कि बस थोड़े से दिन बचे हैं, मेरे घर में एक नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे की किलकारियां गूंजेंगी। और वो सोच लेती है जब तक वो बच्चा घोड़े पर चढ़ेगा उसकी आंख में वो काजल लगाएगी। वो उसके सपना, उसकी सारी की सारी प्रसव पीड़ा को और प्रसव के दुख को खत्म कर देता है। चैलेंजेस तो आएंगे, बनाओ एक सपना, एक ड्रीम, एक रीजन जो तुम अपने आप को देखना चाहे तो इस धरती पर किसी भी फील्ड में। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हैं, फर्क इस बात से पड़ता है कि वो काम आप कैसे कर रहे हैं। अरे ये नाई का काम कैसा है, छोटा है कि बड़ा है, बोलना मत, मैं ही बोलूंगा। बाल काटने का काम, नीम के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठ के बाल काटता है, हम सोचते हैं अच्छा है नाई। एंड व्हाट अबाउट जावेद हबीब, कौन है हबीब? पार्लर चलाता है, सैलून चलाता है, अल्टीमेटली क्या है, बाल काटता है। अगर वो यहां आ जाए तो अभी सारे सारे मुझे छोड़ के चले जाओगे उसके पास, हाय हबीब एक सेल्फी ऑटोग्राफ प्लीज। उस हबीब ने 10 साल से किसी के बाल नहीं काटे होंगे। सवाल इस बात का नहीं है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम किस ढंग से किया जा रहा है, सवाल इस बात का है। कौन करता है इंपॉर्टेंट ये नहीं है, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम वो होता है कि किस ढंग से आपने उस काम को किया, किस तरीके से आपने उस काम को किया, किस तरीके से आपने उस काम को प्रेजेंट किया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ड्रीम क्या है, सोचा क्या है, आपका लास्ट एंड स्टेज क्या है, आप किसे विजुलाइज कर रहे हो, ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी है।